का सेवन पे कमीशन और राजस्व स्वीकृति लेकर यूजीसी के अंदर लागू कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन किया हमने और खा गया यूजीसी। तो इसमें बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। अच्छा, यूजीसी का भी शर्म नहीं आई जब गवर्नमेंट के आदेश को यूजीसी ने अपने पत्र द्वारा रोका कि इसे भी लागू मत करना, तो ये उनका नैतिक फर्ज था। जब उनको इसकी स्वीकृति मिलती तो गवर्नमेंट से कहते इसको विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू करो, परंतु नहीं, ये हिंदुस्तान की प्रथा चली आई है। हमारा पेड़ भर जाए दूसरा मरता है, मरने दो, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब एबीवी ने आज से 3.5 साल पहले देश को गुमराह करने के लिए एक नाटक रचा, मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दूंगा, मैं काला दिन ला दूंगा और गुजरात के अंदर लाल किला खड़ा कर दिया कि अगला झंडा तो मैं फहराऊंगा, और वाकई मैं देश की जनता उनके पीछे पड़ गई कि इनके अरमान है, ये कुछ करेंगे देश के लिए। परंतु दोस्तों, दुर्भाग्य है, आज देश का दुर्भाग्य है ये कि मोदी सरकार ने 3.5 साल के अंदर कोई नई स्कीम नहीं चलाई। जो मनमोहन सिंह, जिसे कहते कांग्रेस का भ्रष्ट प्रधानमंत्री था, भ्रष्ट तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो ईमानदार था, उससे बड़ा ईमानदार आदमी नहीं था, उसे भी उनकी जुबान नहीं थी, वो दूसरे की जुबान बोलता था, ये सच्चाई है। और उसका भी विषय था, उसको भी कई कवियों का समर्थन था, जैसे वो पांडुचू यहाँ पर हुआ अपना तमिलनाडु के अंदर डीएमके का राजा खाजा बधाई संचार मंत्रालय की, उसकी मजबूरी थी, मोदी जैसा मैंडेट उसके पास होता तो मैं निश्चित दावे के साथ कहता हूँ देश में और सुधार भी हो सकते, देश से कम नहीं होता। परंतु मोदी जी के पास जब देश की जनता ने उनके बाबा का बैठा हुआ में आके उनको तमाम सब कुछ सौंप दिया, तो उन्होंने एकाधिकार समझ लिया। एकाधिकार इसलिए कह जाता है कि देश के अंदर मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है, और उस एकाधिकार का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। 30 साल की नौकरी मेरी हो गई विश्वविद्यालय के अंदर, किसी वेतन कमीशन को पे कमीशन को लेने के लिए हमें उतनी मकसद नहीं करनी पड़ी, ये सच्चाई है। और हमें जिस दिन लागू होता था उसी दिन ऑटोनॉमस संस्थाओं में विश्वविद्यालयों में ये समस्त देश में एक समान लागू हो जाता था, परंतु आज दुर्भाग्य देखिए कि यूजीसी तो मार गई मलाई और हम लगे देखते ताकते रह गए हम। तो दोस्तों, मैं मोदी सरकार को छोटा नहीं देता हूँ, मोदी सरकार के पास अब ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1.5 साल का समय है। अप्रैल 2019 में इलेक्शन मैं मोदी सरकार को छोटा नहीं देता हूँ इस मंच से, उसके नेता बड़े बड़े भाषण करते अरुण जेटली, देखो दुर्भाग्य हमारा क्या है, अरुण जेटली जी हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े हुए, मजे की बात देखो, वहाँ के गवर्निंग बोर्ड में मेंबर थे, श्रीराम कॉलेज में चेयरमैन थे, परंतु इस संस्थाओं की उनको याद नहीं आ रही कि जहाँ से मैं इतना बड़ा आदमी बना, जहाँ से मैं लॉयर बना, जहाँ से मैं आज यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं उन्हीं के साथ कुठाराघात कर रहा हूँ। इससे बड़ी बात और कोई नहीं बात है। आप मोदी जी की सुन लो, मोदी जी ने पी एफ की एसओएल का भी देखा था नया कोरेस्पोंडेंस कोर्ट से, कई आज्ञाएं आई मोदी जी की, ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाओ, ये दिखाओ। तो मोदी अपने जेटली जी जो वित्त मंत्री हैं, क्योंकि देखो जेटली जी की खासियत है वो लोकसभा का इलेक्शन कहीं से नहीं छूट सकते, ये सच्चाई है। तो उन्हें मोदी जी की चर्चा भी करनी पड़ती है कि ये गुजरात छह राज्यसभा में मेरे को लिया है और मैं मलाई खाता रहूं, ये उनकी चाल है। नहीं तो इस सरकार ने आज तैयार होगा, मैं जेटली जी अपना इलेक्शन हार गए थे अपने सर में, और मोदी सरकार ने उन्हें क्या इनाम दिया, उनको देश का फाइल बना दिया कि आप देश चलाओ, इलेक्शन हार से कोई बात नहीं, आपको हम राज्यसभा से लाएंगे, आप देश चलाओ। अभी देखो यूपी के अंदर क्या हो रहा है, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी है माननीय हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर है, और पिछले 6-7 साल पहले से सत्ता को चला रहे हैं। हिम्मत नहीं हुई कि पब्लिक के बीच में जाए, मैंडेट मांगे अपनी प्रोक्सी के प्रति, कहा से आए एमएलसी बन के आ गए, एमएलसी बन के आ गए, अपना ठप्पा पक्का हो गया। तो नेता कोई पार्टी का चाहे कांग्रेस का, कांग्रेस भी जुली जुली नहीं है,
पर कांग्रेस के राज में एक बात जरूर थी कि कर्मचारी कभी परेशान नहीं होता था। सिक्स पे कमीशन के अंदर अगर आपको याद हो तो 40% सैलरी बढ़ी थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की 40% सैलरी बढ़ी। और मोदी सरकार ने कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कांग्रेस ने 7 साल में देश को लूट लिया हो जैसे मोदी जी कहते हैं, और ये थाने ये 3 ही साल में बने होंगे, ये थाने, ये आरबीआई, ये एसबीआई और भारत का जो फौज है इसका निर्माण मेरे ख्याल में 3 ही साल में हुआ है, उससे पहले हिंदुस्तान में कोई लगू नहीं था। जो वो कहते हैं मैं नहीं कहता, वो अपने भाषण में यही कहते हैं कि 7 साल में बर्बाद हो गए, पर बर्बाद तो देश 3 ही साल में हो गया, ये सच्चाई है। दोस्तों 14.26 की सैलरी बढ़ी, 14.26। और मजे की बात, जिस दिन गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि पे कमीशन दे दो, मीडिया ने छाड़ दिया बड़ा बड़ा, सरकारी कर्मचारियों की पो बाहर आ गई, शर्म करवारी कर्मचारी मजे ले रहे हैं, मार्केट ने लाभ उठाया और रात रात महंगा उड़ा दी, कोई बोलने वाला नहीं था। आज वही कर्मचारी रो रहा है क्योंकि हमारे लिए तो महंगाई बढ़ी, 30-10 साल पहले हमारे लिए महंगाई बढ़ गई, हम किसके पास जाए। पिछले मेट्रो में अपने किराए में 66% की प्रति करी मेट्रो ने 66% की प्रति, चुपचाप लोगों ने स्वीकार कर लिया। और पहले क्या होता था हमें याद है, अगर 50 पैसे भी टीटीसी में बढ़ते थे या 20 पैसे भी प्याज महंगा होता था, बीजेपी पावर में हो तो कांग्रेस पावर में हो तो बीजेपी दिल्ली को चांद कर देती थी और गवर्नमेंट वापस ले लेती थी। परंतु आज ये सबकी मिली भगत है, जनता को बेकूफ बना मलाई खाते रहो, बोलते रहो भ्रष्टाचार 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 बोलते हुए 3 साल हो गए, 3 साल नोटबंदी कर दी, रिजर्व बैंक के गवर्नर हो रहे हैं आप, हमसे पूछ के खड़ी करी थी। देखो इतिहास के अंदर रिजर्व बैंक की पावर प्रधानमंत्री जी देने गई और अनाउंस कर दिया, नोटबंदी हो गई, रातों रात नोटबंदी हो गई। पर उनको ये पता था, जिनके पास काला धन था उनको तो इन्फॉर्मेशन थी, वो रातों रात वाट कर गए, और जिनके पास नहीं था उन्होंने अपने फैक्ट्री के कर्मचारियों को लाइन में लगाया, 2-2, 4-4 हजार करके सारा वाइट हो गया पैसा, और बाहर से कोई पैसा नहीं आया। ये हमारी लगातार एक हफ्ते से अखबार में पढ़ो, पढ़ो हमारी मूल हमारी जीडीपी 7.7 कह रहे थे, वो 2% गिर गई, जो मनमोहन सिंह जी ने आज से 1 साल पहले राज्यसभा के अंदर कह दिया था। मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूँ, मैं तो मजदूरों का समर्थक हूँ, मजदूर हमारी चलनी है, मजदूर हमारा सब कुछ है, हम तो मजदूर के हैं। पर जब हम गवर्नमेंट के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं तो हमें गवर्नमेंट की सच्चाई भी पता होनी चाहिए, वाकिफ भी होना चाहिए, ये नहीं कि जिसने जो बोल दिया वो बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर ऐसा होता तो डूटा में क्यों हार गई, एनडीजी हार गई डूटा, क्यों हार गई वहां, अगर उनमें इतना दम था डूटा का, जो डूटा के जो प्रेसिडेंट लड़ रहे थे एनडीए की टीम से, मैंने उनको खुद फोन कहा था कि जी बात कर लो, इलेक्शन हार रहे हो, ए कमीशन डिक्लेयर करा रहे हो, तो वो भी मोदी की तरह कॉन्फिडेंस था, मैं तो जीत रहा हूँ, देखी जाएगी जो होगा, ये हालत थी आज। तो देश में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। नहीं होने की वजह से आज हम एमपी किसको पकड़ा, बीजेपी का कोई एमपी तो यहाँ पर आएगा नहीं, कांग्रेस के पास एमपी है नहीं, है किसके पास, ले लेके सीपीआई के और राजा जी आपके बीच में आ जाएंगे, वो भी दोबारा आउट कर लेंगे। तो 2019 सामने है आपके, उसको ध्यान रखिए। पे कमीशन हमारा हम लेके रहेंगे, ये तो हमारी जीत है, आप चाहे मोदी सरकार मारे लाठी चलाए। अभी पुलिस वाले कह रहे थे आपका मनोबल, आपकी जनता कहाँ है, अरे मैं पुलिस वालों को कहता हूँ देख लो हमारी जनता ये है, और अगली बार कहोगे तो यहाँ से वहां तक सारा भीड़ लगवा दूंगा, और जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा तो कर देंगे, हमें कोई डर नहीं। अगर मोदी सरकार ने पे कमीशन 15-20 दिन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया तो हम दोबारा आंदोलन कर देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये सच्चाई है। एक तरफ तो आप कहते हो कि शिक्षक सत्ता को 20 करोड़ रुपया देंगे, 20 करोड़ रुपया, और चाल क्या चल रही है, नेट के नाम पर एक्रेडिटेशन कराया जा रहा है कॉलेजों का, एक एक करके कॉलेजों का एक्रेडिटेशन कराया जा रहा है, हमारे वहां नेट की टीम आ रही है, हमारे कर्मचारी भी अपने कॉलेज की इज्जत के खातिर
अपना सब कुछ छोड़ के नेक में लग जाते हैं रात दिन।